एग्जाम्पल सिक्स, इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 184 अ टर्म इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस थ्री सेवन इलेवन क्वेश्चन मार्क. क्या इस सीक्वेंस की एक टर्म 184 होगी, ये बताना है हमको. तो हम ये कहेंगे कि इस सीक्वेंस के लिए फॉर द गिवन सीक्वेंस ए इज इक्वल टू थ्री, ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो तो थ्री हो गई, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सेवन माइनस थ्री कर लो या इलेवन माइनस सेवन करो. सेवन माइनस थ्री करेंगे तो भी फोर, इलेवन माइनस सेवन करोगे तो भी फोर. तो कॉमन डिफरेंस आपका फोर आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है ना. अब ये पूछ रहे हैं क्या 184 इसका कोई टर्म है या नहीं है. हम ये कहेंगे लेट इट्स nth टर्म बी 184. उन्होंने तो ये पूछा है कि 184 इसका टर्म है या नहीं है, है ना. आप क्या करो, आप कह दोगे हाँ ये इसका एक टर्म है, और ये बोल दोगे कौन सा टर्म है, nth टर्म है. ठीक है, nth टर्म क्या होता है, ए एन, है ना. तो मैं ये कहूंगा दैट इज ए एन इज इक्वल टू 184. अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 184. ए क्या है, थ्री, प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, फोर. ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, एनथ टर्म का. मैं मेरे को ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है क्या 184 इस सीक्वेंस का एक कोई टर्म होगा या नहीं होगा, ये बताना है. तो हमने क्या करा है, हमने ना मान लिया कि वो इसका एक टर्म होगा, ये हमने मान लिया. अब इसका कौन सा टर्म होगा, वो nth टर्म होगा. तो nth टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू 184 मान लिया. अब यहां से n की वैल्यू निकालेंगे. अभी समझ जाओगे आप क्यों कर रहा हूँ ये मैं. एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 184 माइनस थ्री. 184 माइनस थ्री कितना हो गया, हाँ 181 हो गया. एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 181. एन माइनस वन ऐसी छोड़िए, फोर यहां डिवाइड में चला जाएगा, 181 अपॉन फोर. ठीक है, और फिर गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, फिर 181 अपॉन फोर प्लस वन. तो एन इज इक्वल टू 181 प्लस फोर अपॉन फोर. तो एन कितना हो गया, 185 अपॉन फोर. इसको डिवाइड करो, 4 4 का 16, 18 माइनस 16 कितना हो गया, 2 2 5 25, 4 6 का 24, 25 माइनस 24 1, 1 0 10, 4 2 का 8, 10 माइनस 8 जो है वो हो गया 2, 2 0 20, 4 5 का 20. n इज इक्वल टू 46.25. तो हम ये कहेंगे सिंस n इज नॉट n n is not since n is not a positive integer, small n एक positive integer नहीं है. Since n is not a positive integer, therefore 184 is not a term of the given sequence, is not a term of the गिवन सीक्वेंस. समझ गए, ठीक है. जब भी कभी हमें यह बताना होता है कि कोई एक टर्म किसी सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है, तो मैं कहूंगा कि चलो मान लेते हैं उसको कि वो उसकी एक टर्म है. तो टर्म है तो कौन सी टर्म मानेंगे, उसको एनथ टर्म मानेंगे.
nth टर्म क्या होता है, ए एन, ठीक है। अब nth टर्म ए एन मैंने लेकर यहां से n की वैल्यू निकाल ली, तो जो n की वैल्यू है ना वो प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए वैल्यू। पॉइंट्स में आएगी तो हम ये कहेंगे कि वो उसका सीक्वेंस का पार्ट नहीं है वो टर्म। बताइए सबको क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। चलिए जी, हाँ एक्सरसाइज के डाउट्स हैं तो बताओ, अभी तुम्हें तो एग्जांपल पढ़ा रहा था क्योंकि एक्सरसाइज किसी ने करी नहीं, तुमने करी हो तो बताओ। अरे नहीं नहीं बता दो, करे है ना तुमने एक्सरसाइज करी है ना, करी है तो तुम डाउट बताओ, बाकी बच्चों को तो देख लो बुक देख लो, बाकियों को भी तो शर्म आनी चाहिए कि होमवर्क दे रहे हैं तो होमवर्क करके ही नहीं लेकर आ रहे। भाई किसी को अगर एक्सरसाइज में किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। हाँ हाँ चलो अभी पहले ये तीनों बता दूँ, 31, 13, 21 और 22 है ना। कोई नहीं अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखिए अभी एग्जांपल नंबर 6 तक हमने करा है, उसके बाद एक्सरसाइज में जिसने करा है उसने तो बता दिया कि भाई उसके डाउट्स क्या हैं, आप लोगों ने करा ही नहीं है। चलो देखो एक्सरसाइज जो ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 19.2, तो 19.2 का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, ये है इफ एम प्लस वन टर्म ऑफ एन एपी इफ एम प्लस वन टर्म ऑफ एन एपी is twice the n plus nth term is twice the n plus 1th term comma prove that 3m plus 1th term prove that 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term. If m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term, तो हम ये कहेंगे कि मुझे AP तो नहीं पता ना, तो हम ये कह देंगे वही जो एक नॉर्मल जो एक AP होता है हम वो मान लेंगे, let the AP be A comma A plus D comma A plus 2D comma dot dot dot, ये AP हो गया। तो यहाँ पर हमारा first term हो गया A और common difference हो गया D, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इफ एम प्लस वन एथ टर्म ऑफ एन एपी गिवन गिवन एम प्लस वन एथ टर्म इज ट्वाइस द एन प्लस वन एथ टर्म इज ट्वाइस द एन प्लस वन एथ टर्म, तो m plus 1th term वो n plus 1th term का twice है, ये condition दे रखी है इस question में। तो m plus 1th term क्या हो गया, a m plus 1, भाई सीधी बात है ना, 5th term क्या होती है a 5, 7th term क्या होती है a 7, तो m plus 1th term क्या हो जाएगी a m plus 1, समझ गए कि नहीं। nth term क्या होती है a n, तो m plus
कुछ भी हो सकता है भाई, एम प्लस वन है, जैसे एन होता है ऐसे ही एम प्लस वन, ठीक है, ऐसे ही एन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाइड बाई, ये कंडीशन है, ट्वाइस का मतलब टू विल गेट मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन एच टर्म। अभी एन प्लस वन एच टर्म क्या, ए एन प्लस वन। अब ए एम प्लस वन क्या होगा, ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी। एनथ टर्म क्या होता है, एनथ टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एम प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन की जगह एम प्लस वन डाल दिया बस, इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। माइनस वन प्लस वन कट गया, माइनस वन प्लस वन कट गया, तो ये हो गया ए प्लस एम डी, और ये हो गया टू ए प्लस, ये एन डी हो जाएगा, तो टू एन डी। अब ये करने के बाद में ये करने के बाद में आप देखिएगा कि यहां पर मैं क्या करूंगा कि ए टू ए को ले आओ इधर, ए माइनस टू ए इज इक्वल टू टू एन डी माइनस एम डी। ए माइनस टू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू, यहां से डी कॉमन ले लीजिए, तो डी इंटू टू एन माइनस एम। अब माइनस ए मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो चाहता हूँ कि ए की वैल्यू आ जाए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, डी इंटू ब्रैकेट में लिख दीजिए एम माइनस टू एन, तो ये ए की वैल्यू आ गई डी की टर्म्स में। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, यहां तक बताओ समझ गए कि नहीं, ए की वैल्यू जो है कौन यस सर, सा वाला, ये ए प्लस एम डी इज इक्वल टू टू इंटू ए क्या हो गया, टू ए, और n इंटू डी होगा एन डी, तो एन डी इंटू टू क्या हो गया, टू एन डी। फिर मैं टू ए को इधर ले आया तो ए माइनस टू ए हो गया, और एम डी को इधर ले गया तो टू एन डी माइनस एम डी हो गया। ए माइनस टू ए, जैसे एक्स माइनस टू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, ऐसे ही ए माइनस टू ए क्या हो गया, माइनस ए। अब इसमें से डी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, टू एन माइनस एम, यहाँ माइनस है तो ये ए पॉजिटिव हो गया, और मैंने क्या करा कि मैंने इसके इसका साइन चेंज कर दिया, तो एम माइनस टू एन हो गया, नहीं समझे, ये इस वजह से करा है कि मैं माइनस ए की नहीं, मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे कि माइनस ए इज इक्वल टू वन को हम ए इज इक्वल टू माइनस वन बोल देते हैं, मतलब साइन बदल देते हैं, उसी तरह से यहाँ माइनस ए था तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इधर वालों का साइन बदल दिया, तो माइनस एम का हो गया प्लस एम, और टू एन का हो गया माइनस टू एन, और डी तो मल्टीप्लाई में था ही, तो डी विल रिमेन एज इट इज, समझ गए कि नहीं। हाँ, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगला इन्होंने क्या पूछा, क्या है इन्होंने हमसे कहा है, ये कंडीशन दे रखी थी, इस कंडीशन से मैंने ए की वैल्यू डी की टर्म्स में निकाल ली। अब वो बोल रहे हैं प्रूव दैट थ्री एम प्लस वन एथ टर्म इज ट्वाइस एम प्लस एन प्लस वन एथ टर्म। तो देखिएगा प्रूव क्या करना है, टू प्रूव थ्री एम प्लस वन एथ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द एम प्लस वन एथ टर्म, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, थ्री एम प्लस वन एथ टर्म, ये क्या हो जाएगा, ए और सबस्क्रिप्ट में थ्री एम प्लस वन, भाई समझ रहे हैं कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, माइनस वन प्लस वन कट गया, तो ये हो गया ए प्लस थ्री एम इंटू डी, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ए की वैल्यू मैं जानता हूं क्या है, डी इंटू एम माइनस टू एन, तो ए की जगह मैं लिख दूंगा डी इंटू ब्रैकेट में एम माइनस टू एन प्लस थ्री एम डी, इधर भी डी है और इधर भी डी है, डी कॉमन निकाल सकता हूं,
ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम माइनस टू एन प्लस थ्री एम, प्लस का 3m और प्लस का n क्या हो गया, प्लस का 4m, तो d इंटू 4m माइनस 2n, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 3m प्लस 1th टर्म। यहां तक समझ गए? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ट्वाइस ऑफ m प्लस n प्लस 1th टर्म, ये भी इतना ही आना चाहिए क्योंकि प्रूव करना है ना, तो ये भी इतना ही आना चाहिए, तभी तो LHS RHS इक्वल हो जाएंगे और जो चीज मुझे प्रूव करनी है प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं, इधर करूंगा RHS, RHS क्या, टू इंटू एम प्लस एन प्लस 1th टर्म, तो टू मल्टीप्लाइड बाई ए एम प्लस एन प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम प्लस एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, टू मल्टीप्लाइड बाई ये जो ए है, इस ए की वैल्यू डाल दूंगा यहां से, डी इंटू एम माइनस 2 एन, डी इंटू एम माइनस 2 एन प्लस, ये क्या हो गया, एम प्लस एन इंटू डी। ठीक है, अब यहां जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में डी ले लो कॉमन, बाहर टू रहने दो, डी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एम माइनस 2 एन प्लस एम प्लस एन, ब्रैकेट बंद, तो डी और एम प्लस एन कितना हो गया, 2 एम माइनस 2 एन प्लस एन कितना हो गया, माइनस का एन। अब ये जो टू बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी में भी हो जाएगा भाई, ये जो है ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक दो और तीन, आ जाएगा इक्वल आ रहा है भाई, टू इसके हर एक के साथ मल्टीप्लाई तब होता है जब बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता है, जब ये और ये तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो या तो आप डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और फिर टू को एज इट इज रहने दो, या टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो डी को एज इट इज रहने दो। मैं टू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, मुझे बाहर तो अकेला डी चाहिए, तो डी को मैं बाहर छोड़ दूंगा और जो बाकी की टर्म है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ नहीं, डी से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, देखो यहां पर भी 4m में डी भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2n में डी भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप चाहो तो जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 4mb माइनस 2nd, आपने ये कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड कर लो, ये हो गया 2d इंटू 2m माइनस n, मतलब 2d के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2d इंटू 2m क्या क्या हो गया, 4dm, और 2d इंटू माइनस n क्या हो गया, माइनस का 2nd, हो गया सेम। सर ऐसे क्वेश्चन करनी होगी ना? बेटा टाइप टाइप कर दो, आवाज कट के आ रही है, समझ में नहीं आया। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ, समझ गए? ठीक है, हाँ 13 के बाद में अगला डाउट। कौन सा वाला, फाइंड द, ये वाला फाइंड द सेकंड टर्म एंड nth टर्म। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, ये मिटा रहा हूँ बीच में से, सबको समझ में आ गया? अंश, अंशित, दीपांशी, देवशी, यस हर्षित, कृति, बताइए। ठीक सर, है, चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। एक मिनट का टाइम दो, जरा पानी पी रहा हूं।
अब देखिएगा नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 18 में देखिएगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय थ्री। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाई थ्री। तो टू डिजिट के नंबर जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 10 होता है। टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है। तो हम ये कहेंगे हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई थ्री। टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई थ्री आर। तो पहला टू डिजिट नंबर जो थ्री से डिविजिबल है वो क्या है? 12। अगला 15, अगला 18, अगला 21 और करते करते लास्ट कौन सा है? 99। छोड़ दो, चलिए वो पूछ रहे थे कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई थ्री। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 12, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3, और लास्ट टर्म ए एन ये आ जाएगा 99। तो ए एन इज इक्वल टू 99 डालो और फिर ए की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू भी पता है, तो एन निकाल लेंगे। एन से क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री, वो पता चल जाएगा। ठीक है, और बताओ कौन सा कह रहे थे? हाँ, 21। चलिए जी, लेवल वन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है ये वाला, आप सब लोग कर लेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, किसी को अगर डाउट हो तो मैं करवाऊं, सब हो जाएगा। बाकी बच्चे बताएं, अंशित, दीपांशी, देवशी, दिवस, यस सर, यस हो जाएगा, हर्षित, यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000। How many numbers are there between 1 and 1000 which when divided by 7 leave remainder 4। ठीक है, मुझे 1 और 1000 के बीच में सारे के सारे वो नंबर बताने हैं जो जिनको जब हमें 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आ जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसा पहला नंबर ढूंढेंगे। पहला नंबर क्या है? 11।
भाई सेवन से डिवाइड हो जाए, जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो क्या है? वो तो सेवन है, जो सेवन से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जो सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर फोर छोड़े, ऐसा पहला नंबर क्या है? इलेवन। ठीक, तो आप ये देखिएगा, मैं ये यहां पर ये देखता हूं कि जैसे इलेवन है, इलेवन को सेवन से डिवाइड करा तो सेवन वन जा सेवन, इलेवन माइनस सेवन क्या हो गया? फोर। रिमाइंडर क्या आ गया? फोर आ गया। तो नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाई सेवन, बस लीव रिमाइंडर फोर, बताता हूँ मेरे को, लीव रिमाइंडर फोर आर, पहला तो हो गया इलेवन, अगले में क्या करो सेवन ऐड कर दो, एट्टीन, एट्टीन को करो जरा सेवन से डिवाइड, सेवन टू जा फोर्टीन, एटीन माइनस फोर्टीन क्या हो गया? फोर। ठीक है, फिर एट्टीन में भी सेवन ऐड कर दो तो ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव को करो सेवन से डिवाइड, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन अगेन रिमाइंडर फोर, तो हर एक में साथ साथ ऐड करते चले जाना है। अब मुझे वन और वन थाउजेंड के बीच में ढूंढना था, तो मैं वन थाउजेंड को डिवाइड करता हूँ, बिटवीन वन एंड वन थाउजेंड, तो वन थाउजेंड तो नहीं, ट्रिपल नाइन को करेंगे। हाँ, पहले ट्रिपल नाइन को करते हैं, सेवन वन जा सेवन, नाइन माइनस सेवन हो गया टू, ट्वेंटी नाइन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी एट हो गया वन, नाइनटीन हो गया, सेवन टू जा फोर्टीन, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया? फाइव। तो नाइन नाइनटी एट ले लूँ, लास्ट नंबर क्या हो गया? नाइन नाइनटी एट। भाई आप देख लीजिए ना, 998 होगा तभी तो यहाँ पर लास्ट में 18 आएगा, और फिर 7 टू 14 करूंगा तो 18 माइनस 14 क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो हमारा आखिरी नंबर क्या हो गया? 998। हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहे हैं, तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 11। कॉमन डिफरेंस क्या है? 18 माइनस 11 क्या हो गया? 7। और जो लास्ट टर्म है उसी को हम nth टर्म बोल देते हैं, तो ये कितना हो गया? 998। ठीक है, हाँ 42 है, पता नहीं, 21 का आंसर है, 21 का आंसर ही नहीं दे रखा है यार इसमें, कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। एन इज इक्वल टू 998, तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 998। ए कितना है? 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? सेवन इज इक्वल टू 998। अब 11 को उधर ले जाओ, नाइन नाइन एट माइनस 11 कितना हो जाएगा? 987। नाइन एट्टी सेवन अपॉन सेवन, फोर्टीन सेवन का 98 होता है, 141, वन उधर चला जाएगा, 142, एन इज इक्वल टू 142। क्लियर था? इसके अलावा बताइए कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर सेवन करवाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर सेवन जो है, ऐसा क्वेश्चन हमने 10th क्लास में करा था, मैंने बताया था कि आपको कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कि जब कोई सीक्वेंस दे रखा होता है तो उसकी पहली नेगेटिव टर्म निकालना, वो कैसे होगा? एग्जाम्पल सेवन देखें, एग्जाम्पल नंबर सेवन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस
Which term of the sequence 20 comma 19 is to 1 by 4? 20 comma 19 is to 1 by 4 comma 18 is to 1 by 2 comma dot 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 is the first negative term. Is the first negative term. ये बताना है कि इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ये बताना है. तो A1 is equal to 20, A2 is equal to 19 is to 1 by 4, क्या हो जाएगा? 19 for the 76, 76 plus 1 कितना हो गया? 77 by 4. A3 क्या हो जाएगा? 18 to the 36, 36 plus 1 कितना हो गया? 37 by 2. ये तीन टर्म्स आ गई. मैं A2 minus A1 निकालूंगा. -3/4 आ रहा है A2 - A1. ऐसे ही आप क्या करें, A3 - A2 भी निकाल लो एक बार, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये AP है या नहीं है. A3 - A2 करा, 37/2 -77/4. LCM लेंगे, 4 आ गया, 2 2 4, 2 × 37 कितना हो गया? 74 -77, तो माइनस का 3/4. तो हम ये कहेंगे क्लियरली इट इज एन एपी. Clearly, it is an AP with D is equal to -3/4. Common difference कितना हो गया? -3/4. वो पूछ रहे हैं which term of the sequence is the first negative term. So let the first negative term be an. तो ए एन क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो. फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना, तो ए एन क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो. अब ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो. ठीक है जी. अब ए क्या है यहां पर? ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म. तो 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना? माइनस का 3/4 is less than zero. मतलब हमारा जो nth टर्म है वो जीरो से छोटा आ जाए. जीरो से छोटा आने का मतलब क्या है? कि नेगेटिव टर्म आ जाए, वो नेगेटिव टर्म आ जाए. तो अब इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये प्लस का 20 है, ये इधर जाकर -20 हो जाएगा. -3 इंटू एन माइनस वन बाई फोर इज लेस देन माइनस का 20. अब मुझे क्या करना है? इधर भी नेगेटिव टर्म है, इधर भी नेगेटिव साइन है, इधर भी नेगेटिव साइन है. तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल नहीं होता इनइक्वालिटी में, थ्रू आउट साइन चेंज होता है. तो 3/4 इंटू एन माइनस वन, ये पूरा नेगेटिव था, नेगेटिव साइन हट गया. ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया. अब जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा. तो n माइनस वन इज ग्रेटर देन 20 × 4 / 3. n माइनस वन इज ग्रेटर देन 80/3. -1 को उधर ले जाओ,
80 by 3 plus 1, n is greater than 80 plus 3 upon 3. So n is greater than 83 upon 3, divide karo. 3 2s are 6, 8 minus 6 kitna ho gaya, 2 ho gaya, 23, so 3 7s are 21, theek hai, 23 minus 21, 20 ho gaya, so 3 6s are 18, again 27.66, ye aata jayega, n is greater than 27.66, condition ye hai, ki n jo hai wo 27.66 se bada hona chahiye, to just bada lo bas, तो 27.66 से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा 28 है ना, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 28 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी 28th टर्म समझ गए जीरो से लेस देन इस वजह से क्योंकि जो nth टर्म है वो जीरो से छोटी ही तो आनी चाहिए नेगेटिव का मतलब क्या जीरो से छोटा समझ गए क्योंकि इसी क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि आपको पहली नेगेटिव टर्म बतानी है नहीं समझे अरे वो देख रहा है इस वजह से हाँ मत बोलो वो तो ऐसे ही देख रहा है समझ गए ना बाकी बच्चे बताएं भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है यस सर ठीक है ओके ये था हमारा एग्जांपल नंबर 7, 8 देखिएगा, which term of the sequence, example number 8, which term of the sequence एट माइनस सिक्स आई कॉमा कॉमा सेवन माइनस फोर आई कॉमा सिक्स माइनस टू आई कॉमा डॉट 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 फर्स्ट है इज प्योरली रियल is purely real second hai is purely imaginary purely real or purely imaginary अब ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है अभी आप समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत मामूली सा यूज है इसमें अभी समझ में आ जाएगा ठीक है बस एक मिनट वेट करिए मैं एक मिनट में आ रहा हूँ अब देखिएगा अब देखिए मैं निकालूंगा इसमें nth टर्म nth टर्म क्या हो जाएगा ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अब ए क्या है एट माइनस सिक्स आई प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है माइनस वन प्लस टू आई कोई बात नहीं चिंता मत करो बता रहा हूं अभी ए एन इज इक्वल टू एक्सपेंड कर दो इसको एट माइनस सिक्स आई है
अब एन इंटू माइनस वन माइनस एन, एन इंटू टू आई प्लस का टू आई अंत, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस का वन, और माइनस वन इंटू प्लस का टू आई माइनस का टू आई, जिसमें आई है ना उसको अलग करो और जिसमें आई नहीं है उसको अलग करो। क्या देखो, एट इसमें आई नहीं है तो लिखो एट, एन में भी आई नहीं है तो लिखो माइनस एन, इसमें भी आई नहीं है तो एट माइनस एन प्लस वन को एक जगह डाल दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर देखो आई वाली कौन सी टर्म है, एक दो और तीन, माइनस सिक्स आई और माइनस टू आई, ये क्या हो जाएगा, माइनस एट आई प्लस का टू आई एन, ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एट प्लस वन नाइन, नाइन माइनस एन, नाइन माइनस एन प्लस आई ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा टू एन माइनस एट, ठीक है भाई। प्योरली फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब है कि आई वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए, प्योरली रियल का मतलब आई वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए। तो आई का जो कोफिशियंट है उसको जीरो कर दो ना, आप आई के कोफिशियंट को जीरो कर दो। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट में कि ए एन विल बी प्योरली रियल इफ टू एन माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, माइनस एट को उधर ले जाओ टू एन इज इक्वल टू एट, टू फोर जा एट, तो एन क्या हो गया फोर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयर फोर फोर्थ टर्म इज प्योरली रियल, फर्स्ट पार्ट हो गया फोर्थ टर्म इज प्योरली रियल। सेकंड पार्ट देखो, आपको समझ में आ गया ना, हाँ सेकंड पार्ट में प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी के लिए का मतलब क्या है कि आई वाली ही टर्म होनी चाहिए, उसके अलावा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा बताओ, रियल टर्म को जीरो रख दो, रियल टर्म होनी ही नहीं चाहिए उसमें, हाँ एन इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा। रियल टर्म जो है ये रियल टर्म, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, जो आई से मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट, जो जिसमें कोई आई वगैरह मल्टीप्लाई नहीं होता वो रियल पार्ट, एन नाइन हो गया। नाइन्थ टर्म विल बी प्योरली इमेजिनरी, समझ गए, ए एन विल बी प्योरली इमेजिनरी, ए एन विल बी प्योरली इमेजिनरी इफ नाइन माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एन इज इक्वल टू नाइन, इसका मतलब है नाइन्थ टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, बस जी इतना कर लीजिए, और आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है कि 19.2 आप कंप्लीट करो, जो डाउट आए आप पूछना, आप लोगों को ये लगेगा कि आप 10th का ही रिवाइज कर रहे हो, कोई नई चीज नहीं है उसमें, तो 19.2 करें एटलीस्ट, मैं लेवल वन क्या उम्मीद करता हूँ कि वो आप करिएगा, जो डाउट आए वो पूछना। हाँ हाँ भाई।